अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो सभी लोग। आज आप लोगों के साथ कराची की आवाज़ से मौसम अपडेट शेयर करूंगा। वीडियो से पहले को सब्सक्राइब करें ताकि हाँ ना भाई जो वीडियो का नोटिफिकेशन और सब लोगों को मिल सके। सामने घंटी का बटन भी दबाना मिलेगा। अगर मूनसून सिस्टम वैखना के बारे से बात की जाए तो वैखना इस वक्त जो नेपाल है, नेपाल की करीब हवा का कमजोर तश्कील पा चुका है, जो कि अगले 72 घंटों के दौरान मगरब की जानेब हरकत करेगा, जो कि हफ्ते तक सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हफ्ते के रोज़ दिन के शुमाली और मशरक़ी इलाकों में मूनसून बारिश का आगाज़ हो जाएगा। जबकि हफ्ते से ये सिस्टम कराची पर भी असरअंदाज होगा, जिससे हफ्ते को भी कराची में बारिश के इम्कान मौजूद हैं। जबकि इतवार को ये जो हवा का कम दबाव राजस्थान के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 जुलाई से कराची में इतवार के रोज़ से मूसलाधार बारिश के सिलसिला शुरू होगा, जो कि 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा कराची समेत सिंध में। और ये काफ़ी ताकतवर सिस्टम होगा कराची के लिए, जिसका नाम वैखना है, जो कि कराची में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। ये सिर्फ अभी एक हम आप लोगों के साथ तजिया शेयर करें, जबकि जो स्पैक की फाइनल पेशन गोई है, फुल एंड फाइनल, वो आप लोगों के साथ जुम्मे को शेयर करूँगा। फिलहाल एक ऑब्जर्वेशन है कि स्पेल ये है, इस प्लेयर में तब्दीली भी आ सकती है। फिलहाल प्लेयर कंफर्म होने के बहुत ही करीब है। तमाम जुम्मे को इसकी फाइनल फॉरकास्ट आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगा। 4 या 5 जुलाई को एक और हवा का कमजोर खलीज बंगाल में दाखिल होगा, जो कि सिंध में दाखिल होगा, जिसकी वजह से 7 या 8 जुलाई से एक और मूनसून सिस्टम सिंध में आ सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो बहर अरब में बन सकता है सिस्टम। बहर अरब में भी इस सिस्टम के बाद हो सकता है कि एक और सिस्टम बने, जो कि कराची समेत सिंध में बारिश में आए। आने वाले दिनों में इसके बाद से आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगा। फिलहाल कराची का जो मौसम है वो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं, इनमें कल से मज़ीद इजाफा होगा, जबकि हफ्ते तक ये मौसम चलेगा। कराची में समुद्री बादल रहेंगे, जिसकी वजह से सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी के कराची में इम्कान मौजूद रहेंगे शहर कायद के अंदर। जबकि हफ्ते से मूनसून के मकामी सिस्टम की वजह से शहर में हाफ और गर्मी रहेगी। बारिश से चंद घंटे पहले शहर में गर्मी हो जाएगी। तब तक इजाफे साजी फिर मिलेंगे आने वाले दिनों में इस सब सिस्टम के बारे में शेयर करूँगा। तब तक इजाफे साजी फिर